हेलो एंड वेलकम बैक टू नती आईएएस। आज से हम अपने लेक्चर पर आईआर एंड लेबर लॉस की रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर चल रहे थे वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे और इसी मंथ हम सारा रिवीजन भी कर लेंगे और स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब से पहले हम स्टेटिस्टिक्स पर आपको दो लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और स्टेटिस्टिक्स में हमें 9 से 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, तो इससे ज़्यादा हमें उसमें नहीं पढ़ना है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो अगले 7-8 लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉस और अकाउंट्स की हम रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर सारी ही ये क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, तो इस वजह से हम, और देखिए जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा इसलिए हमारे लेक्चर ज़्यादा लेंथी भी नहीं होंगे। जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से हर एक्ट में इंपॉर्टेंट होगा कि क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उन्हीं पर ही हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन सारे एक्ट्स के जितने भी अधिनियम हैं उसके सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। तो एक बार एक ब्रीफ नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से हमें एक्ट पढ़ने हैं। तो आज हम कारखाना अधिनियम 1948 पर चर्चा करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यूपीएससी ने जितनी बार भी ईपीएफओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है तो एक कारखाना अधिनियम से क्वेश्चन अक्सर पूछती है, इसी तरह ट्रेड यूनियन एक्ट से। देखिए, आप अपने सिलेबस को हमेशा ये कोशिश किया कीजिए कि जनरल स्टडीज़ के अगर आपका पार्ट दिया हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो जहाँ जनरल स्टडीज़ का सिलेबस दिया हुआ है वहाँ पर आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स को और करंट अफेयर्स को लिंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने पिछला जो लेक्चर लिया था स्ट्राइक्स से रिलेटेड, हड़तालों से रिलेटेड, तो उसमें हमने आपको बताया था करंट के एग्जांपल से कि यूपी के बिजली विभाग में जो हड़ताल की गई थी। तो देखिए, जब भी करंट का कोई इशू होगा तो उससे रिलेटेड कोई भी आपका सब्जेक्ट जो टॉपिक होगा वहाँ से यूपीएससी कनेक्ट ज़रूर करती है। तो इसीलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चली जाती है। आप दो सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, यूपीएससी इंटीग्रेटेड अप्रोच मांगती है। जैसे यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट है, व्यवसाय संघ अधिनियम, तो आपको जनरल स्टडीज़ में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितनी भी ट्रेड बनी हैं, यूनियंस बनी हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, किसमें कौन संस्थापक थे ये पता होना चाहिए और किस ईयर में बना है ये पता होना चाहिए। पहले भी सालों में यूपीएससी ने पिछले ईयर्स में भी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किए हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है, कारखाना अधिनियम 1948, इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपको ईयर वाइज जितने भी अधिनियम हैं उनके नाम ईयर वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सेट करने के लिए दिया जा सकता है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट परमानेंट ऑर्डर एक्ट, फिर है व्यवसाय संघ अधिनियम ट्रेड यूनियन एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मजदूरी भुगतान पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फिर है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये आपके इंश्योरेंस, देखिए ये आपका दो जगह से रिलेट कर जाएगा, ये आपका इंश्योरेंस के पार्ट से भी रिलेट करेगा जो इंश्योरेंस का सिलेबस है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी का, क्योंकि इंश्योरेंस अपने आप में ही एक सोशल सिक्योरिटी देने का तरीका है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, आप मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ये क्या है, ये एक सोशल सिक्योरिटी देने का तरीका है। तो सोशल सिक्योरिटी, आप ये ना सोचें कि इंश्योरेंस का अलग है सिलेबस, सोशल सिक्योरिटी का अलग है, लेबर लॉज अलग है, ये अपने आप में इंटीग्रेटेड हैं, गुथे हुए सब्जेक्ट्स हैं, गुथे हुए टॉपिक हैं। फिर इसके बाद है घातक दुर्घटना अधिनियम 1961, ये शायद 1961 गलत हो गया, फैटल एक्सीडेंट एक्ट, एक बार इसको चेक कर लेना। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट डाल देंगे या फिर आपका पिन कर देंगे कि जो एक्ट है घातक दुर्घटना अधिनियम और प्रसुविधा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो 1961 का ही है, लेकिन इसमें कुछ हमें कन्फ्यूजन है, फैटल एक्सीडेंट एक्ट ये शायद 1961 का नहीं है, वैसे एक बार कन्फर्म करके हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, ये पढ़ना है हमें, परिवार पेंशन योजना निक्षेप सहबत बीमा योजना अधिनियम 1978, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कंपनसेशन एक्ट 1923, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आप इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें इस एक्ट को, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। बाल एवं किशोर श्रम और विनियमन अधिनियम 1986 और बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976। देखिए एक चीज़ और, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी पर आप स्पेशल इंफेसिस करेंगे ऐसे एक्ट्स, ऐसे आर्टिकल्स पर जो आपके किससे रिलेटेड हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो आपके बंधुआ मजदूरी से,
रिलेटेड है, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जैसे कि आर्टिकल 19 जहां पर संघ बनाने की परमिशन दी गई है। हमारा संविधान लोगों को क्या करता है, संघ बनाने की, यूनियन बनाने की एक परमिशन देता है। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट भी है। फिर इसी तरह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का है, आर्टिकल 23 और 24 किससे रिलेटेड है, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड है और बलात् श्रम से, जिसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। फिर इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको आर्टिकल 38, 39 जितने भी मतलब जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट हैं, समान वेतन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं आपके इंडस्ट्रियल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो आपको DPSP में ये सारे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन लिंक करके पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपने एक्ट से। देखिए किसी भी, हमने बताया था आपको, कोई भी एक्ट जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर विधि विशेषज्ञ नहीं बनना है, तो आपको दो या तीन चीज़ें बिल्कुल फोकस करके चलनी है। पहला कि उस अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई हैं किसी भी वर्ड की, तो उस परिभाषा के अनुसार वो वर्ड किस तरह डिफाइन किया जा रहा है। यानी कि अगर कहीं पर एम्प्लॉयर, नियोजक का परिभाषा दी गई है, तो नियोजक उस एक्ट के अनुसार नियोजक किसे कहा गया है। कोई भी आदमी, आप ये ना सोचें एक जनरल हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि नियोजक वो है जो काम दे रहा है किसी को, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का मालिक कोई और हो, और उसी कंपनी में, या फैक्ट्री का मालिक कोई और हो, और उसी फैक्ट्री में लोगों को काम देने वाला व्यक्ति कोई और हो, यानी कि ठेकेदार भी हो सकता है। तो हम सिर्फ एक नैरो परिभाषा नहीं लेंगे, जो अधिनियम के अकॉर्डिंग है, एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसी के परिभाषा को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हम बिल्कुल ब्रीफ में जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो हम बिल्कुल एकदम डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल के लेक्चर हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहले अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और उद्देश्य। देखिए किसी भी अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, जब कोई भी गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, कोई अधिनियम लाती है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है, विकासशील राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र में जो योजनाएं लाई जाती हैं या फिर जो अधिनियम बनाए जाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, उनका पहला पर्सपेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। हमारा जो स्टेट है, जैसे पॉलिटी की भाषा में राष्ट्र को नेशन नहीं कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट जो है, भारत जो स्टेट है, राज्य है, भारत राज्य के अंदर जो उसकी भावना है वो कैसी है, सोशल वेलफेयर की भावना, सामाजिक कल्याण की भावना। यहाँ पर हम सामाजिक कल्याण पर ज़्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट खर्च करती है। तो यही वजह है कि कोई भी एक्ट यहाँ पर बनाया जाता है स्पेशली, ताकि लोगों को, जो कामगार हैं, लेबर क्लास हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जा सके। तो सबसे पहले जब पहला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये तो सारी डिटेल हमने पहले भी डिस्कस की है, कि उसके बाद हल्के हल्के मांग उठने लगी काम के घंटों की लेकर, या काम को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर। क्योंकि पहले जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका और जापान ने या जर्मनी ने लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था काम के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम बंद हो गया था, तो सारे काम कहाँ चला गया था, डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम की हालत बुरी, बहुत ज़्यादा वहाँ की हालत जो है दयनीय हो गई थी। तो इसके बाद जैसे कामगारों के की दयनीय स्थितियों को देखते हुए, बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर इन चीफ मूर ने 1872-73 में अपनी रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित की। देखिए वैसे तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1881 में फर्स्टली पास हुआ था, इनकी इंस्पेक्टर इन चीफ मूर की रिपोर्ट के बाद बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर इन चीफ थे मूर, उन्होंने 1872-73 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के आधार पर पहला फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ था, 1881 में। इसके बाद इसी तरह अमेंडमेंट होते रहे 1891 में, लेकिन अभी जो फाइनली हमारे यहाँ इंडिया में जो फैक्ट्रीज एक्ट लागू है वो कौन सा है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हल्के हल्के, जैसे कि हमने बताया, हल्के हल्के इसमें अमेंडमेंट होते रहे 1881 में, 1891 में, फिर कारखाना अधिनियम 1911 आया, फिर 1922, फिर 1934 और फिर 1948। देखिए अब इसमें हम आगे जो डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण परिभाषा, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सिर्फ जो मेन डिस्कशन है रिवीजन के अतबार से कर रहे हैं, कि जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। डिटेल डिस्कशन अगर आपको देखना है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जो फैक्ट्रीज एक्ट पर है उसको देख सकते हैं। देखिए कारखाने की परिभाषा इस अधिनियम के अनुसार क्या बताई गई है, ऐसा कोई भी स्थल कारखाना कहा जाएगा जहां पर काम करने वालों की संख्या मिनिमम 10 हो और वहां पर पावर सप्लाई की सहायता से काम किया जा रहा हो, पावर सप्लाई की सहायता से जहां पर काम किया जा रहा होगा और मिनिमम कामगारों की संख्या 10 होगी, तो वो कारखाने की, फैक्ट्री की परिभाषा में आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वहां पर पावर सप्लाई के बिना
यानी कि बिजली की शक्ति के बिना काम किया जा रहा है और कामगारों की संख्या 20 या उससे अधिक है, 20 या उससे अधिक है, तो वो स्थल कारखाने की श्रेणी में आएगा। दूसरी इसमें प्रोविजन क्या किया गया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दूसरा प्रोविजन किया ये किया गया कि पहले मौसमी, सीजनल और रेगुलर कारखाने अलग अलग होते थे, इनके बीच जो डिफरेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया। जो मौसमी कारखाने होते थे जो टाइमली बेसिस पर एक्टिवेट किए जाते थे, जैसे 3-4 महीने के लिए जो काम आते थे, तो ऐसे कारखानों की जो परिभाषाएं थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अब हर कोई जो जहाँ पर भी काम होगा, जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत होंगे और पावर सप्लाई से काम चलेगा, तो वो परमानेंट कारखाने की परिभाषा में आ जाएगा। और 20 से ज़्यादा होंगे और पावर सप्लाई के बगैर काम चल रहा होगा, तो 20 या उससे अधिक होंगे तो भी वो कारखाने की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर है कारखाना स्थल, उस कार्य का प्रारंभ, उसका पंजीकरण, लाइसेंस आदि की निगरानी आदि का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। फिर है बालक, इसमें बालक कौन से होंगे, बालकों के काम के घंटे और उनके रखे जाने की अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 1948 में। इसमें क्या किया गया कि 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की आयु कर दी गई, और एडोलिसेंट जो होते हैं किशोर, उनकी आयु पहले 15 से 17 साल थी, लेकिन उसे अब कितना कर दिया गया, 17 से 18, यानी कि एडोलिसेंट जो होंगे उनकी आयु 17 से 18 साल वाले एडोलिसेंट माने जाएंगे। 18 से ऊपर वाला तो क्या होता है, एडल्ट, आपको पता ही होगा ही, ये तो एडल्ट हो जाता है। और बालक चाइल्ड कौन से होंगे, 14 से कम ईयर के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे एडोलिसेंट सॉरी चाइल्ड कैटेगरी में आएंगे। फिर है शाम 7 बजे से 6 बजे सवेरे के बीच बालकों और स्त्रियों के काम पर रखे जाने को वर्जित कर दिया गया। देखिए बहुत एक अच्छा अमेंडमेंट ये किया गया था इसमें कि शाम को 6 बजे के बाद 7 PM शाम को 7 बजे से 7 PM टू 6 AM इस टाइम के बीच में बच्चों को और विमेन को काम पर रखने से वर्जित कर दिया गया। फिर अधिसमय ओवरटाइम में मजदूरी को डबल कर दिया गया, वेजेस को डबल किया गया। अब है इसमें व्यापकता, एप्लीकेबिलिटी, पहले कहाँ था ये, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब जगह लागू था, लेकिन 1970 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर, गोवा, दमनदीव और पांडिचेरी में भी लागू कर दिया गया। पहले इन 3 स्टेट्स में 4 स्टेट्स में लागू नहीं था, लेकिन अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ऑल ओवर इंडिया। जैसे बहुत से एक्ट ऐसे होते थे पहले, जब 2019 में जो धारा 370 को हटाया गया है, उसके बाद जितने भी एक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए हैं, J&K पर। पहले जितने भी एक्ट बनाए जाते थे उनमें एक एक्सेप्शन ये रखा जाता था कि उनको जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी परमिशन के बगैर उन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये सारे जम्मू कश्मीर में ऑटोमेटिकली ही लागू हो जाते हैं। फिर है देखिए, जहाँ पर कामगारों की, जैसे हमने आपको बताया, जहाँ पर कामगारों की संख्या 10 या इससे अधिक है और काम जो है किससे होता है, पावर सप्लाई के जरिए होता है, शक्ति की सहायता से होता है, बिजली की सहायता से, तो वो कारखाने की श्रेणी में आएगा। लेकिन कुछ अगर ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पावर सप्लाई का यूज़ नहीं किया जा रहा है, हाथ से यानी फिजिकल लेबर के जरिए काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है फिजिकल लेबर के जरिए हो रही है, फिजिकल लेबर में जैसे कि लोग हाथ से काम करते हैं, तो वहाँ पर 20 से अधिक अगर लेबर होगी तो उसको भी कारखाने की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर इस नियम के अपवाद क्या है, धारा 85 में राज्य सरकार को के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब राज्य सरकारों को क्या अधिकार दिए गए हैं, एक्सेप्शन है ये, अब यह नहीं हो सकता, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ UPSC पूछ सकती है, क्या सिर्फ इसी कंडीशन में किसी भी स्थल को कारखाने की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जहाँ 10 या उससे ज़्यादा कामगार हो और पावर की सप्लाई से काम हो रहा हो, या 20 या उससे ज़्यादा कामगार हो और बिना पावर सप्लाई के काम हो रहा हो, तो क्या इन्हीं दो कंडीशन में किसी भी स्थल को काम कारखाना घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ एक्सेप्शन धारा 85 के अंतर्गत राज्य सरकार को ये छूट दी गई है कि ऐसे किसी भी स्थल को वो जहाँ पर उचित समझे उसको कारखाने की श्रेणी में रख सकती है, या फिर दो या दो से अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित कर सकती है, या एक कारखाने को दो कारखानों में डिवाइड कर सकती है। ये सारा राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। अब इसमें जो परिभाषाएं, जैसे कि हमने आपको बताया था, वयस्क की परिभाषा, जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया हो, जो 18 साल से ज़्यादा का हो या 18 साल या उससे ज़्यादा का हो, वो वयस्क की कैटेगरी में आएगा, एडल्ट की कैटेगरी में। फिर है तरुण, एडोलिसेंट, जिसे किशोर कहते हैं, किशोर की आयु क्या होगी, 15 से 18 वर्ष की आयु के लोग तरुण की परिभाषा में, एडोलिसेंट की परिभाषा में आएंगे, यानी कि 15 से 18 साल वाले एडोलिसेंट, 18 या उससे अधिक वाले एडल्ट और 15 से नीचे वाले आपके बालक।
जैसे देखिए बालक की परिभाषा क्या है, ऐसा बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है, यानी कि 15 साल से नीचे के जितने होंगे वो बालक चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। कैलेंडर वर्ष इसका अभिप्राय 12 महीने की अवधि से है और किसी भी वर्ष के प्रथम दिन, वर्ष जनवरी के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। देखिए यहाँ पर जो कैलेंडर ईयर माना जाएगा वो कैसा, वो एनुअल जो माना जाएगा, एनुअल ईयर वो कैलेंडर ईयर के अनुसार माना जाएगा, ना कि आप कहाँ, अगर ऐप से जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो ऐसा इस तरह से कंसिडर मत कर लेना। यहाँ पर जो वर्ष जो कंसिडर किया जाता है वो कैलेंडर ईयर के अनुसार ही किया जाता है। फिर इसमें दिन, दिन से तात्पर्य 24 घंटे की अवधि से, जिसका प्रारंभ मध्य रात्रि से यानी कि रात के 12 बजे से प्रारंभ होता है उसे दिन कहते हैं। सप्ताह, सप्ताह से अभिप्राय शनिवार की अर्धरात्रि से माना जाता है, यानी कि संडे की जो रात होती है, संडे रात 12 बजे से जो सप्ताह माना जाएगा। पावर, पावर से सप्लाई, पावर सप्लाई से तात्पर्य है विद्युत शक्ति या ऐसे अन्य प्रकार की ऊर्जा से है जो यंत्रों द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, यानी या तो पावर सप्लाई डायरेक्ट डायरेक्ट करंट आ रहा हो या फिर जनरेटर के द्वारा सप्लाई की दी जा रही हो और मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो, तो इन सबको पावर सप्लाई के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। यंत्र मशीनरी, इसके अंतर्गत मुख्य पारेषण यंत्र यानी कि जो भी जिस यंत्र से ट्रांसमिशन किया जा रहा है। फिर विनिर्माण प्रक्रिया, इसमें किसी वस्तु पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन और डिस्पोजल की दृष्टि से मरम्मत इत्यादि शामिल है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के हैं वो यहां से हम डिस्कस करेंगे। निरीक्षक कर्मचारी और निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन। इसमें बहुत देखिए दो तीन, हर एक्ट में दो तीन चीजें जरूर ध्यान रखिए। जैसे क्रेच फैसिलिटी है, क्रेच फैसिलिटी जो होती है जहां पर बच्चों की देखभाल की जाती है, तो इसमें भी क्या प्रोविजन है क्रेच फैसिलिटी को लेकर, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो अर्थदंड लगाया जाता है, अगर कोई भी अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बेसिस पर जो पेनाल्टीज, पेनाल्टी लगाई जाती है और फाइन लगाए जाते हैं या फिर सजा का प्रावधान होता है, तो उसमें क्या कंडीशन दी गई है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि जहां पर सजा का प्रावधान है यानी कि प्रोविजन का उल्लंघन होगा, वायोलेशन होगा, वहीं पर ही सजा का प्रावधान दिया जाएगा, तो वहीं से ही क्वेश्चन बनाएंगे। निरीक्षकों की शक्ति और कार्य, अधिनियम की धारा 9 में निरीक्षक की शक्ति का उल्लेख किया गया है। देखिए निरीक्षक जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो होगा जिसको निरीक्षण की शक्ति होगी, तो उसको कहीं पर भी प्रवेश करने की शक्ति है, यानी कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार के अधीन अगर कोई कारखाना है तो राज्य सरकार, और भारत सरकार के अधीन है तो भारत सरकार निरीक्षक को अपॉइंट कर सकती है। और उस निरीक्षक को किसी भी प्रेमिसेज में, कारखाने के किसी भी कारखाने के प्रेमिसेज में जहाँ पर उसका क्षेत्राधिकार है वहाँ पर जाने की बिरोकटोक प्रवेश की अनुमति होगी और निरीक्षण करने की शक्ति होगी। वो किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को मांग सकता है और उसको मना नहीं किया जा सकता, मना करने पर दंड का प्रावधान दिया गया है इसमें। देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य कारखाना अधिनियम की धारा 11 से 20 तक स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य में जो है आपको पता ही होगा, जैसे प्रभातन वेंटिलेशन होना चाहिए कारखाने की जगह पर, कारखाना बिल्कुल कवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें रोशनी की कोई जगह ही ना हो, उसमें रोशनी का यानी लाइट का बिल्कुल फैसिलिटीज होनी चाहिए। दूसरी चीज वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि एयर कंडीशन की भी व्यवस्था हो या फिर ऐसी व्यवस्था हो जिससे एग्जॉस्ट वगैरह निकल जाए, सफोकेशन ना हो वहाँ पर, और धूल आदि से बचा हुआ हो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन से संबंधित हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय से शौचालय भी होना चाहिए और पीकदान वगैरह, जैसे कि यहाँ पर सारी कंडीशन दी गई हैं। फिर है शिशु गृह क्रेच, इसमें धारा 48 के अनुसार शिशु गृह का प्रबंध वही होगा जहां स्त्रियां नियोजित हैं, यानी कि ऐसा कोई भी कारखाना जहां पर स्त्रियां नियोजित हैं यानी कि पहले वीमेन एम्प्लॉयड हैं वहां पर क्रेच की फैसिलिटी होगी ऐसे कारखाने में। तो ये कौन सी है, ये सेक्शन 48 के अनुसार है और उनकी संख्या 30 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसमें दो कंडीशन दी गई हैं क्रेच फैसिलिटी के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ऐसा कारखाना जिसमें महिलाएं हो, वीमेन हो, और वीमेन भी कितनी, कम से कम 30 वीमेन हो, 30 वीमेन हो तो वहां पर क्रेच फैसिलिटी की सुविधा देना कंपलसरी हो जाएगा। और क्रेच फैसिलिटी किसको दी जाती है, जिनके ऐसे बच्चों को, ऐसी माताओं के बच्चों को जिनके बच्चे 6 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। फिर है कल्याणकारी, कल्याण अधिकारी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर। धारा 49 के अनुसार ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 500 या इससे अधिक है। देखिए जितनी जो भी फैक्ट्री जिसमें कितने एम्प्लॉय होंगे, 500 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो वहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा।
और ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 100 से कम है श्रम कानून अधिकारी रखने के लिए कानूनन बाध्यता नहीं है। लेकिन जो 500 वाली जो कंडीशन है वो तो उसमें तो कंपलसरी है ही। जहां पर 500 एम्प्लॉय होंगे, लेबर होगी, वहां पर तो वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया ही जाएगा। लेकिन 500 से कम ये और 100 से अधिक होने पर ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो वहां पर अपॉइंट करती है या नहीं। लेकिन अगर 100 से भी कम एम्प्लॉय हैं या लेबर है तो वहां पर कानून इसको वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर है साप्ताहिक घंटे। धारा 51 के अनुसार वयस्क कर्मकार से कारखाने का प्रबंधक 48 घंटे से ज़्यादा अधिक काम नहीं ले सकता। 48 घंटे के सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। देखिए धारा 51 के अनुसार ये प्रोविजन किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी कारखाना मालिक अपने लेबर से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। यानी कि 8 घंटे रोज के हिसाब से 6 दिन अगर काम कराएगा तो 48 घंटे हो जाएंगे, यानी कि एक उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। फिर है अपराधों के लिए सामान्य दंड। अपराधों के लिए सामान्य दंड क्या है इसमें? देखिए धारा 93 के अनुसार यदि प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मुद्दा सामने आता है तो उसमें कारखाने का अधिभागी या देखिए या तो कारखाने का मालिक ऑनर या फिर मैनेजमेंट, ये दोनों में से कोई भी एक जिम्मेदार होगा। और उसमें कितना अपराध होगा? या तो उसको 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों, ये एपिलेट बॉडी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या इसमें से प्रावधान करती है। तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, वो सॉरी 2 साल तक की जेल होगी या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर वही उसी प्रावधान का उल्लंघन दोबारा किया गया है, उसी प्रावधान का सेम प्रावधान का उल्लंघन दोबारा किया गया है तो पर डे 1,000 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा उस पर सरचार्ज भी लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। क्रेच फैसिलिटी, जैसे हमने आपको बताई क्रेच फैसिलिटी जहां पर 30 या उससे अधिक महिलाएं होंगी वहां पर क्रेच फैसिलिटी का प्रावधान किया गया है। और ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष या उससे कम आयु के हैं उनके लिए क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी है। फिर है राज्य सरकार इसमें नियम बना सकती है। राज्य सरकार इसमें अलग से नियम बना सकती है क्रेच फैसिलिटी के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी कारखाने के अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर कारखाना राज्य सरकार के अंतर्गत आता है तो उसको छूट दी गई है उसके मानकों में चेंजेस करने की। तो ये आप इसमें स्लाइड्स में देख सकते हैं, पॉज करके ये पढ़ सकते हैं इसमें। तो जहाँ जहाँ पर कारखाना अधिनियम राज्य सरकार के अंतर्गत आता है तो राज्य सरकार को भी वहाँ पर छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मानकों में पैरामीटर्स में चेंजेस कर लें। तो यही था आज का लेक्चर। इसके बाद जो अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, अगला लेक्चर जो हमारा रिवीजन लेक्चर होगा वो औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से रिलेटेड होगा। थैंक यू।